सपोर्ट रेजिस्टेंस की खास बात यही होती है, सपोर्ट से बार बार मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस से बार बार मार्केट नीचे आती है, ये आपको हर कोई बताता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, यहाँ पर हम कंपाउंडिंग करने वाले हैं। आप देखते हैं, यहाँ पर 4 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे या 5 स्टेप या फिर 6 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे। हम जब तक कंपाउंड करेंगे अपने फंड को, जब तक हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखती रहेंगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एंड कुछ लोगों का डाउट भी था लास्ट वीडियो में कि कुछ 4 स्टेप या 5 स्टेप कंपाउंडिंग की वीडियो होनी चाहिए ताकि हम किस तरीके से कर सकेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप बहुत ही एक कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करना कंपाउंडिंग में, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको अल्टरनेटिव डेज में फ्री सिग्नल्स दिए जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ आप हमारी ट्रेड्स को कॉपी करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अच्छे मूवमेंट वाला चार्ट फाइंड करना है। अच्छे मूवमेंट का चार्ट मतलब कि यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में भी रहा हो एंड मार्केट का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी रहा हो। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर क्यों ली है, क्योंकि देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था प्राइस एक्शन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये वाली वीडियो वॉच करना, तभी आपको सही से समझ में आएंगी चीजें। क्योंकि हम कंपाउंडिंग में प्योर प्राइस एक्शन का यूज करेंगे, कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी लंबे समय तक वर्क नहीं करती है, जो प्राइस एक्शन है वो हमेशा काम करते हैं। और कंपाउंडिंग इतना रिस्की होता है तो हम किसी स्ट्रेटजी के भरोसे वहां पर अपने मनी को कंपाउंड नहीं कर सकते। प्योर प्राइस एक्शन अगर आप सीखोगे तो यहाँ पर आप बहुत ही बेफिक्र होके यहाँ पर कंपाउंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छे चांसेस रहते हैं कि हमारी ट्रेड यहाँ पर विन ही होगी। ओके, सो यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन लगा दी है एंड यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दी है। लास्ट वीडियो मैंने आपको काफी डिटेल से समझाया है, आप जाकर जरूर से देख लेना उसको। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, 2 कैंडल ग्रीन बनी है, नेक्स्ट थर्ड कैंडल भी यहाँ पर ग्रीन बनेगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड लाइन लगाई है वहां पर बिल्कुल गैप नहीं है, जिस वजह से मार्केट का मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। तो हम यहाँ पर एक अपवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर $50 की एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है। अब यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड क्यों है, क्योंकि हमको पता है हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई है। अब ट्रेंड लाइन को मार्केट टेस्ट करके बार बार ऊपर की साइड जाएगी, जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ओके, जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सपोर्ट लेवल लगाते हैं वैसे ही हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी लगा सकते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में काफी डिटेल से समझाया हुआ है। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, ब्रेक कर जाती है तो वहां पर सिनेरियो अलग रहते हैं, सेम यही सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी होता है। अब मार्केट कब तक ऊपर जाएगी, जब तक उसे काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिल जाएगा तब तक मार्केट का मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। सो ये बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि आपको काफी सारे लोग ये बता देंगे कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस से नीचे आती है, ट्रेंड लाइन में ही होता है, मतलब बेसिक बेसिक बात हर कोई बता देता है। एंड ये सारी चीजें आप किसी भी बुक में या गूगल पर भी देख सकते हैं, लेकिन जो बहुत छोटी चीजें होती है वो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही बता सकता है कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन कब काम आता है एंड स्ट्रेटजी कब काम आती है, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही बता सकता है आपको। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है एंड हमारी यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर विन हो चुकी है। हमारे अकाउंट में अब $97.32 बन चुके हैं। धीरे धीरे इस तरीके से हम अपना अमाउंट यहाँ पर ग्रो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम चार्ट चेंज करके देखेंगे, क्योंकि लगातार एक ही चार्ट में हमको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। सो यहाँ पर हमें एक अच्छा मूवमेंट देखना होगा चार्ट में। अच्छा मूवमेंट आपको पता है ना किसे कहते हैं, कि मार्केट वहां से ऊपर भी गई हो, नीचे भी आई हो, मतलब साइडवेज मार्केट ना हो। मैंने बताया 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, लास्ट वीडियो में डिटेल से समझाया मैंने। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे यहाँ पर हम, एंड देन हम यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर लगाएंगे ऊपर की साइड, एंड इसको कॉपी करके हम फिर से यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लेवल लगा दिया है हमने। अब ये रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, दो दो जगह से रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर वर्क किया है। मेन चीज आपको ये देखनी है जहां पर मार्केट चल रही है, ओके, वहां पर आपको बहुत चीजें देखनी है। एक एक कैंडल का भी आपको हिसाब पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये वाली कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट होगी तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। ओके, मैंने यहाँ पर देखिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हमने ये जो लेवल लगाया हुआ है
ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर चुकी है, जहां पर हमने ट्रेड प्लेस किए जिस कैंडल से, उसकी प्रीवियस वाली आप कैंडल देखोगे उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है तो वहां पर मार्केट कोशिश करती है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आप कहाँ पर होगा। तो सेम यही चीज यहाँ पर काम कर रही है। सो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, इससे ट्रेड को विन होने का। थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की लग रहा है, वैसे मार्केट का मूवमेंट तो ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट ही करना होगा। 3, 2, 1, ओके। सो ये ट्रेड देखिए हमारी यहाँ पर विन हो चुकी है, लेकिन बहुत ही माइनर लेवल से हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूँ, यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट तो अपवर्ड ही रहेगा, लेकिन छोटी छोटी कैंडल यहाँ पर डोजी टाइप यहाँ पर बन सकती हैं। आप देख सकते हैं आप कितनी बुलिश यहाँ पर कैंडल है। सो अगेन हम यहाँ पर चार्ट में देखेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा अच्छा चार्ट लेंगे जिसमें 90% से अबव मिले, क्योंकि कंपाउंडिंग में हमको ऐसे ही एसेट फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहले से कुछ लेवल्स वगैरह ड्रॉ किए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर देखिए विक के हिसाब से मैंने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं लंबी विक है ना, उसके हिसाब से। अब मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आ रही है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। मार्केट का मूवमेंट यहाँ पर डाउनवर्ड है एंड रेजिस्टेंस लेवल भी है ऊपर की साइड, लेकिन गैप फुलफिल हो जाता तो और अच्छी बात रहती है। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन में है, कंफ्यूजन में है मार्केट, तो हम यहाँ पर एक डाउनवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दी है। यहाँ पर आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, कई बार देखिए आपको कोई भी सपोर्ट एंड कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं देखना होता है, आपको सिर्फ कैंडल्स देखनी होती हैं। बहुत सारी कैंडल एक लेवल पर बार बार टेस्ट करके नीचे आ रही होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल टाइम रिजेक्शन। वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है, आप देखोगे लंबी लंबी विक बनी है, एक लेवल है वहां तक टेस्ट हुई मार्केट, फिर नीचे आई, अगेन नेक्स्ट कैंडल जाने की कोशिश करी, फिर अगेन नीचे आई, फिर नेक्स्ट कैंडल कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, फिर अगेन मार्केट नीचे आ रही है। तो उस लेवल पर कुछ है कि मतलब कुछ सेलर्स हैं जिस वजह से बार बार मार्केट नीचे आ रही है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है अपने माइंड में। कई बार ऐसा होता है हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन वहां पर कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही लग रहा होता है, तो वहां पर हमारी ट्रेड्स लॉस हो जाती हैं। तो ये चीजें भी आपको फाइंड करनी होंगी। तो यहाँ से देखिए मार्केट नीचे ही रहेगी, हमारी ये ट्रेड यहाँ पर विन हो चुकी है, क्योंकि उस लेवल पर मार्केट बार बार नीचे ऊपर जाने ही नहीं दे रही है। अगर ऊपर जानी होगी मार्केट तो एक काफी बड़ी एक बुलिश कैंडल बनेगी, जो कि एक कैंडल ब्रेकआउट करेगी। सो ये ट्रेड देखिए हमारी यहाँ विन हो चुकी है, हमारे अकाउंट में अब $348 बन चुके हैं, जो कि हम धीरे धीरे इस तरीके से अपना अमाउंट ग्रो करेंगे। हम चार्ट चेंज करके देख लेते हैं थोड़ा सा। एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट फाइंड करना है, एंड इसमें हमको रिटर्न भी काफी अच्छा मिल रहा हो, क्योंकि कंपाउंडिंग में 90% से अबव रिटर्न होना चाहिए। ओके ओके, हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं चार्ट को एक बार। ओके ओके, देखिए थोड़ा सा ना चार्ट हमको साइडवेज सा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर थोड़ा सा यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी टाइप बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है पहले कि सच में यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सही रहेगा कि नहीं, ये आपको पहले ही सोचना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने से पहले ही कि सही रहेगा भी या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। अब हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर लगाएंगे। देखिए जो मैंने आपको अभी मल्टीपल टाइम रिजेक्शन वाली बात बताई कि बार बार मार्केट इस एक लेवल से बार बार नीचे की साइड आती है या फिर ऊपर की साइड जाती है, सेम यही चीज यहाँ पर हो रही है।
छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट और भी ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। इस वजह से हमने यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की खास बात यही होती है, सपोर्ट से बार बार मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस से बार बार मार्केट नीचे आती है, ये आपको हर कोई बताता है। लेकिन जब रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर जाती है तो कब तक ऊपर जाती है, एंड सपोर्ट लेवल को मार्केट जब ब्रेक कर जाती है तो कब तक और भी ज़्यादा डाउनफॉल उसमें आता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मेन कॉन्सेप्ट यही है सीखने के लिए, और ये सारी चीज़ें तो बहुत सारी हैं सिखाने वाली। आप ट्रिक ढूंढिए कि वहाँ पर ये चीज़ें काम तो करती हैं, वो अच्छी बात है, कब काम नहीं करती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, आप समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो ये ग्रीन कैंडल बन गई है हमारी, ट्रेड भी यहाँ पर ये विन हो चुकी है। हमारे अकाउंट में अब $651.18 बन चुके हैं। धीरे धीरे हम अपने अमाउंट यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम और भी देखते हैं अपॉर्चुनिटी, कि अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं मिलेगी तो हम यहाँ पर लगातार अपना फंड कंपाउंड करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर इसको रोक देंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा चार्ट। इसमें चार्ट में काफी डाउनफॉल हमें दिखाई दे रहा है। देखिए देखिए, एक बात समझिए आप, यहाँ पर चार कैंडल लगातार ग्रीन बनी है। मैं आपको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ समझाऊंगी। सपोर्ट लेवल है नीचे, लगातार मार्केट ऊपर गई है, चार कैंडल ग्रीन बनी है। अब ये जो रेड कैंडल बन रही है, ये एक हम कह सकते हैं धोखेबाज कैंडल, हम इसे कह सकते हैं। ये प्राइस एक्शन में बहुत यूज होता है, पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर बनेगी ग्रीन कैंडल नेक्स्ट, मार्केट यहाँ पर ऊपर ही जाएगी। लेकिन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कितनी बियरिश कैंडल है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा डाउनफॉल होगा। नहीं, ये क्या होता है, यहाँ पर जो चार कैंडल हमारी ग्रीन बनी हुई होती है, उनकी जो लास्ट दो कैंडल होती है उनको कवर करती है, फिर अगेन मार्केट का मूवमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ये मैंने आपको शायद से कुछ टाइम पहले की, अगर आप मेरी पैटर्न वाली वीडियो देखोगे तो मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है ये, एंड शायद से किसी एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये पैटर्न समझाया है कि ऐसा कब होता है, एंड यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट है ग्रीन ही रहता है, मार्केट बुलिश ही रहती है, लेकिन ये एक हमारे लिए एक सीडो कैंडल यहाँ पर बनती है। सो बाकी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग होने तक का। वैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल तो बननी चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दिया है उसके हिसाब से। देखिए, आपको ना सारे पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको कितने सारे पैटर्न है, सब याद होने चाहिए, जो मेन मेन पैटर्न है वो याद हो, बस बात खत्म। देख सकते हैं अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, हमारी एक ट्रेड भी यहाँ पर विन हो चुकी है, मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, एंड ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये कंप्लीट फुलफिल होके ब्रेकआउट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग में देखिए रिस्क काफी ज्यादा होता है, तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। प्राइस एक्शन पर ज्यादा ध्यान दो, प्राइस एक्शन पर ज्यादा काम करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो। कोई भी स्ट्रेटजी कहीं से भी आप समझ में आ रही है, देखिए स्ट्रेटजी लंबे समय तक काम नहीं करती है, हर इंसान की एक पर्सनल स्ट्रेटजी होती है, सिर्फ वो उसी के लिए काम करती है। अब आपका सोचने का माइंडसेट अलग है, एंड अलग इंसान है, उसका माइंडसेट अलग है, उसने कितना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, एंड आप बिगिनर है, तो आप उन चीजों को मैच नहीं कर पाओगे। लेकिन जो प्राइस एक्शन वाली चीज है, ये बिगिनर से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे कि क्लास 1 क्लास 2, ये बिगिनर हर कोई सीखता है। लेकिन एक एक्सपीरियंस एडवांस ट्रेडर के लिए एंड एक जो बिगिनर की जो बात है वो अलग होती है। सो आप कंप्लीट अब सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, तो प्राइस एक्शन से स्टार्ट करिए, टेक्निकल एनालिसिस समझिए, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सो यही था गाइस आज की इस वीडियो में, हमने $50 से अपना अमाउंट $1,200 तक इसको लेके गए। सो आप भी कर सकते हो, लेकिन आप सीखिएगा उसके बाद इस चीज को ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताना अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो, और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।